गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इन दिस वीडियो एंड आई वांट टू प्लीज अपील यू टू प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग यू अ फ्यू मोर वीडियो लाइक दिस एंड आफ्टरवर्ड्स वील गो फॉर ग्रामर सेशन. नाउ वी हैव अ फ्यू मीनिंग्स डिसगॉर्ज यील्ड सरेंडर अंडर प्रेशर incantations supposedly magical words haggling bargaining. Now we are going to start this chapter again. Stop said the other, I don't want all that. Khamosh ho jao, main sab cheeze nahi sunna chahta. Shall I succeed in my present search or not? Kya main abhi meri maujooda jo main talash kar raha hu usme kamyab hunga ya nahi, utna hi batao. Answer this and go. सिर्फ इसका जवाब दो और चले जाओ. अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइंस. मैं उस वक्त तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे पूरे अपने कॉइन वापस नहीं दे देते. द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस एंड रिप्लाइड. ज्योतिषी ने कुछ मैजिकल वर्ड्स कहे, कुछ जादुई अल्फाज कहे और जवाब दिया. All right, I will speak. ठीक है, मैं बात करूँगा. But will you give me a rupee if what I say is convincing? क्या मुझे एक रुपया दोगे अगर मैं कोई बात करूँ जो आप तुम्हें भरोसा दिला सके, यकीन दिला सके, कन्विंस कर सके. Otherwise, I will not open my mouth. वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा. And you may do what you like. फिर तुम जो चाहे वो करो. After a good deal of haggling, एक बहुत डील के बाद जो हैगलिंग मीन्स बारगेनिंग. बारगेन के बाद, आफ्टर अ गुड डील ऑफ बारगेनिंग यानी बारगेन करने के बाद, थोड़ा कमी ज़्यादती करने के बाद, द अदर एग्रीड. द स्ट्रेंजर था वो मान गया. द एस्ट्रोलॉजर सेड. ज्योतिषी ने कहा, यू आर लेफ्ट फॉर डेड एम आई राइट. तुम्हें मरने के लिए छोड़ गए थे क्या, मैं सही कहता हूँ? आह, टेल मी मोर. हाँ हाँ, कहो मुझे और कहो. अ नाइफ हैज पास्ड through you once, said the astrologer. एक छुरी तुम्हारे करीब से गुजर गई थी, ज्योतिषी ने कहा. Good fellow, सही बात है, अच्छे आदमी कहो. He bared his chest to show the scar, what else. और उसने अपना सीना खोल दिया था जो कुछ हुआ होगा उसके बारे में बयान करने के लिए, वो सुनने के लिए बेताब हो गया. And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. उसके बाद तुम्हें ढकेल दिया गया था एक बाजू के खेत में मौजूद कुएं में, और ऐसा समझा गया कि शायद तुम मर चुके हो. आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल, एक्सक्लेम्ड द अदर ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म. मैं मर चुका होता अगर एक राहगीर ने, पासर बाय राहगीर वहाँ से गुजरने वाला, चांस टू पीप, उसने अगर पीप इन टू द वेल, अगर वो उस कुएं में नहीं आ गया था, झांक कर नहीं देखा होता. एक्सक्लेम्ड द अदर. पीप यानी झांकना. दूसरे ने ताज्जुब से कहा, ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म, और उसकी जोश का कोई ठिकाना नहीं रहा. व्हेन शैल आई गेट एट हिम. मैं उसको कब ढूंढ पाऊंगा या मैं उसे कब मिल पकड़ पाऊंगा. ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट. उसने अपनी मुट्ठी, फिस्ट यानी मुट्ठी, क्लेंचिंग यानी हवा में ज़ोर से लहराते हुए कहा. इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर. दूसरी दुनिया में उस ज्योतिषी ने जवाब दिया. ही डाइड 4 months ago in a far off town. वो 4 महीने पहले ही मर गया दूर के एक शहर में. यू विल नेवर सी एनी मोर हे ऑफ हिम. तुम उसे बिल्कुल नहीं देख पाओगे इसके बाद. द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड. और दूसरा जो अजनबी था, स्ट्रेंजर था, वो थोड़ा सा गुस्से में भर गया ये सुनने के बाद. एस्ट्रोलॉजर ने कहा, गुरु नायक, यू नो माई नेम. यानी स्ट्रेंजर का नाम क्या था? गुरु नायक. तुम मेरा नाम जानते हो? द अदर सेट टेकन अ बैक. दूसरे ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स. जैसे कि मैं दूसरी सब बातें जानता हूँ. गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से. गौर से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ. Your village is 2 days journey due north of this town. तुम्हारा गांव यहाँ से 2 दिन के सफ़र पर मौजूद है. Take the next train and be gone. अगली ट्रेन पकड़ो और अपने गांव चले जाओ.
आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मुझे दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ख़तरा महसूस हो रहा है। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से निकले। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ साइकड एश एंड हेल्ड इट टू हिम, उसने थोड़ी सी मुकदस राख अपनी चुटकी में दबाई, पिंच यानी चुटकी, रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, और इसे तुम अपने पेशानी पर लगा लो, फोरहेड पेशानी। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड, कभी साउथ की तरफ यानी जुनूब की तरफ वापस ना आना। एंड यू विल लिव टू बी अ हंड्रेड, उसके बाद तुम 100 साल जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं दोबारा घर क्यों छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, दूसरे ने कहा, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाव एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, मैं तो उस शख्स को मारना चाहता था, उसे बर्बाद करना चाहता था अगर वो मिल जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। ही शुक हिज हेड रेग्रेटफुली, और उसने अपना अपना सिर अफसोस के साथ हिलाया। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वो मेरे हाथ से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डेड एज ही डिजर्व, मुझे उम्मीद है कि वो वैसी ही मौत मरेगा जैसी कि उसे मरना चाहिए। यस सैड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा, हाँ, ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, वो एक लॉरी के नीचे दबकर मर गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, ग्रेटिफाइड प्लीज्ड सेटिस्फाइड, तो दूसरा आदमी जो था गुरु नायक, उसे इत्मीनान हुआ और दिल को तसल्ली हुई ये सुनकर। द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिकड अप हिज आर्टिकल्स, और उस वक्त तक वो जगह पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी जब वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी अपना सामान उठाने लगा। एंड पुट देम इन टू हिज बैग, और वो तमाम चीज़ें अपने बैग में रखने लगा। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, जो हरी रोशनी थी वो भी चली गई थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, पूरा का पूरा इलाका अंधेर हो गया था और वहाँ पर खामोशी का राज था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट, जो अजनबी था वो अंधेरे में गुम हो गया। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइंस, और उसने ज्योतिषी को अपने हाथ में मौजूद सिक्के दे दिए। इट वॉज नियरली मिड नाइट वैन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, आधी रात गुजर चुकी थी जब ज्योतिषी अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, उसकी बीवी दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी और उससे एक्सप्लेनेशन मांग रही थी। ही फ्लंग द कॉइंस एट हर एंड सैड, उसने तमाम सिक्के कॉइंस उसकी तरफ उछाल दिए। काउंट देम वन मैन गेव ऑल डैट, इन्हें गिन लो, एक आदमी ने मुझे ये तमाम के तमाम दिए। 12 and a half आना, यानी 12 आने और उसके बाद में आधा आना है। शी सैड काउंटिंग, शी वॉज ओवरजॉयड, उसने गिनते हुए कहा और वो बहुत खुश हो गई। आई कैन ओनली बॉय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, कल मैं कुछ गुड़ और नारियल खरीद कर ला सकती हूँ। द चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाव, बच्चे कई दिनों से मिठाइयों की डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं उनके लिए कुछ बेहतर मिठाई तैयार करूँगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, उस सुअर ने मुझे चीट किया, धोखा दिया। ही प्रोमिस्ड मी अ रूपी, यानी जो गुरु नायक था उसने 1 रुपये की बात की थी लेकिन उसने चीट किया। सैड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने ज्योतिषी ने कहा, शी लुकड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, उसने ज्योतिषी की बीवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं हुआ। नथिंग, कुछ नहीं हुआ। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्याल, खाना खाने के बाद जब वो प्याल के बिस्तर पर प्याल अ स्ट्रिंग कॉट वो जब बैठा था, ही टोल्ड हर, उसने अपनी बीवी से कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम माई मी टूडे, तुम जानती हो मुझ पर से एक बहुत बड़ा बोझ दूर हो गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, मुझे लगता था कि किसी इंसान का मैंने खून किया है और उसके खून का बोझ हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। डैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्राम होम, यही वजह थी कि मैं घर से क्यों भाग आया।
सेटल्ड हियर, यहाँ क्यों बस गया, एंड मैरिड यू, और तुमसे क्यों शादी की, ही इज़ अलाइव, वो जिंदा है। शी गैस्प्ड, यू ट्राइड टू किल हिम, उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, तुमने उसे मारने की कोशिश की। यस इन आर विलेज, हाँ हमारे गांव में। व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, जब मैं एक छोटा नौजवान था, वी ड्रैंक गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, हमने शराब पी, जुआ खेला और एक दिन बहुत ज़्यादा लड़ाई की। वाई थिंक ऑफ इट नाव, अब उसके बारे में क्या सोचना, टाइम टू स्लीप, जाओ सो जाओ, ही सेड यॉनिंग एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द फ्यॉल, और उसने यॉनिंग जमाई लेते हुए कहा, एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और प्योल के बिस्तर पर अपने आप को खींच लिया और सो गया। बाय आर के नारायण, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड मीट यू सून, बाय फॉर नाउ, गुड बाय।